जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 15x40। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट करके बताया सर मुझे 15x40 का मॉडल चाहिए। तो उन्हें कहने बहुत ही बेस्ट डिजाइन मैंने दिया है, यहाँ पर आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं या और यहाँ पर सारी डिटेल आपको अवेलेबल है। जैसा कि फ्रंट से देख पा रहे होंगे ऐसा लुक दिखने वाला है। तो उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान से जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं होम डिजाइनिंग से रिलेटेड। आपको हर एक टाइप का वीडियो मिलेगा, जो भी आपका मकान का साइज हो, स्कूल का साइज हो, सभी टाइप के आपको मकान मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर हमेशा के तरीके से हम इसको सबसे पहले कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट। जैसा कि मैं हर बार आपको सबसे पहले मॉडल को ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूं, तो देखिएगा जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं मॉडल को, तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है। चाहे फ्रंट से देखें, चाहे टॉप से देखें, चाहे बैक से देखें या साइड से देखें, तो ये पूरा मॉडल ट्रांसपेरेंसी में आपको और भी खूबसूरत दिखता है। तो अब जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को रिमूव करते हैं, मैं ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देता हूं और आपको इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर चलता हूं। तो जैसे आप ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं, तो आपको यहां पर ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड सेकेंड फ्लोर पूरा आपको बताएंगे। तो फ्रंट से तो पूरा मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। आप हमें ले चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं इस मकान को देखिएगा, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये फ्रंट है। फ्रंट मैंने काफी ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पर गेट मैंने छोटा सा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आगे बारंडा टाइप का दिया है, यहाँ पर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर कोच भी पार कर सकते हैं। 15 फीट मात्र चौड़ाई है और लंबाई की बात करें 40 फीट है। और ये डिजाइनिंग का पार्ट है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे पीछे से मैं डिस्कस करूंगा, आपको एक बेडरूम मिल जाएगा 10x10 का और 4.5 फीट का, लगभग एक गैलरी टाइप का जो दिख रहा है। इसी गैलरी में लास्ट में बिल्कुल ये आपका बना हुआ है किचन, ठीक है। और इस वाले रूम में एंटर करने के लिए आपको मैंने यहाँ से डोर दे दिया है साइड से, तो ये पूरा डोर हो गया और किचन आपका यहाँ पे निकल आता है। और ये आपकी स्टेयर्स हैं जो आपको ऊपर ले जाएंगे एल साइज के, उसी के नीचे लेटरिंग और बाथरूम कंबाइंड मैंने ये पर दिख रहा होगा। जैसे हम यहाँ से आते हैं आपको एक और बेडरूम मिल जाता बड़ा सा ये आगे, और ये मेन डोर इसका यहाँ एंट्री का है, ये विंडो मिल गया वेंटिलेशन के लिए। और ये आपका काफी फील्ड टाइप का मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ भी पार्क कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फोर व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल साइज इसका है 40 फीट है और चौड़ाई की बात करें तो 15 फीट है। तो ये आपका डिजाइन बन जाता होम का फ्रंट से। अब इसका अगर हम बात करें आपको फर्स्ट फ्लोर की, तो चलो उसका हम फर्स्ट फ्लोर और आपको डिस्कस कर देते हैं। तो आप जैसे इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, मतलब कि जो इसका फर्स्ट फ्लोर है उसको चलो हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए आप देखिएगा, ये आपका स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ऊपर आएंगे तो सेम टू सेम बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही मॉडल है, वही बेडरूम, वही किचन, वही लेटरिन बाथरूम, कोई चेंजमेंट नहीं। सिर्फ आपका आगे चेंजमेंट हो गया है, जो आपको वहां दिख रहा था वो आपको यहाँ पर बालकनी टाइप का दिखेगा, या आप यहाँ पे एक रूम भी डिजाइन करते हैं। डिपेंड करता आप पे, अगर आप रूम डिजाइन करना चाहें तो रूम भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये डिजाइनिंग का पार्ट है, और यहाँ से आप इस डोर से बाहर आएंगे ये बालकनी आपको मिल जाती है। ये डिजाइनिंग का पार्ट है, ये आपका ग्लास लगा है, मतलब बाउंड्री है। और ये पूरा फर्स्ट फ्लोर जो आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट से आपको ऐसा देखेगा। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो आप आ गए हैं इसी लास्ट फ्लोर पर। ये स्टेयर्स है जो ढक दी है मैंने, और जिसमें बरसात में पानी ना जाए, और चारों तरफ बाउंड्री दे दी है, और ऊपर रेलिंग ग्लास का लगा दिया है। तो ये पूरा सिस्टम था, पूरा मॉडल था, जिसका साइज था 15x40। अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक शेयर जरूर कर दे। मॉडल फिलहाल बहुत ही बेहतरीन है, आपको कम जगह में सारी चीजें मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बेस्ट मॉडल ही कहेंगे। और ये आपका पूरा डिजाइनिंग का पार्ट हो गया ये पूरे फ्लोर। तो मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई भी मॉडल आप चाहते हैं स्पेसिफिक डिजाइन करना, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं हर संभव प्रयास करूंगा उस मॉडल को डिजाइन करने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारा आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज इसको लाइक कर दें और शेयर।